तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। फ्रेंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीए का एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करते हैं। जी हाँ फ्रेंड, यदि आप भी बीए का स्टूडेंट है और फ्रेंड आपका भी सब्जेक्ट जीई यानी जनरल इलेक्टिव है और आपका भी सेशन 2017 से 20 या तो 2018 से 21 सेशन के आप छात्र हैं और फ्रेंड आप भी ऑनलाइन में अपना मोबाइल से एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं लेकिन आपको मालूम नहीं है, तो फ्रेंड बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। जी हाँ फ्रेंड, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपना मोबाइल में किस तरह से जीई यानी जनरल इलेक्टिव का एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करते हैं। तो फ्रेंड वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बिल को भी दबाइए ताकि हमारी इसी तरह के आने वाले वीडियो आप देख सकें। तो फ्रेंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड सबसे पहले आपको जाना है गूगल में। जी हाँ फ्रेंड, गूगल में आने के बाद गूगल सर्च बार में यहाँ पर लिखना है फ्रेंड रिजल्ट इन्फो 99, लिख के आपको सिंपली सर्च में क्लिक कर देना है। सर्च में क्लिक करते यहाँ कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे ऊपर वाला जो लिंक है फ्रेंड सिंपली इसमें आपको क्लिक करना है resultinfo99.com, सिंपली इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ मेनू का ऑप्शन आएगा, सिंपली मेनू में क्लिक करना है। जैसे आप मेनू में क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर फ्रेंड आपको BA BSc BCOM एडमिट कार्ड जो है 2023, सिंपली इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर फ्रेंड आपको नीचे की ओर आना है। नीचे फ्रेंड आपको देखने के लिए मिल जाता है दो ऑप्शन। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं BA BCOM और BSc एडमिट कार्ड, सिंपली इसमें आपको क्लिक कर देना है। ट्रॉल ऑप्शन में क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड आपको नीचे की ओर आना है, आपको सेलेक्ट करना है BA फर्स्ट ईयर एग्जाम एडमिट कार्ड। यहाँ क्लिक करें, सिंपली इसमें आपको क्लिक कर देना है। इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड आपको नीचे की ओर आना है। जी हाँ फ्रेंड, सबसे नीचे की ओर आना है। नीचे फ्रेंड आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। जी हाँ फ्रेंड, आपका जो भी यूनिवर्सिटी है फ्रेंड उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है ना है। मैं अभी रांची यूनिवर्सिटी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करूँगा तो रांची यूनिवर्सिटी जो है मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पर क्लिक हेयर का ऑप्शन आता है, सिंपली यहाँ पर क्लिक हेयर में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर आपको एक 3 लाइन का बॉक्स दिखाई दे रहा है, सिंपली इसमें आपको क्लिक करना है बॉक्स के अंदर। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन पोर्टल, जी हाँ फ्रेंड एग्जामिनेशन पोर्टल में सिंपली क्लिक कर देना। एग्जामिनेशन पोर्टल में जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन आता है, सिंपली आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड में क्लिक कर देना है। डाउनलोड एडमिट कार्ड में जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर फ्रेंड कोर्स सेलेक्ट कोर्स का ऑप्शन सबसे पहले आता है, तो फ्रेंड आपको कोर्स जो है फ्रेंड सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड मैं फटाफट से जो है फ्रेंड कोर्स को सिलेक्ट करता हूँ। तो कार्स में क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको जीई सेलेक्ट करना है। जी हाँ फ्रेंड, जो 2017 से 20 और 2018 से जो 21 सेशन है फ्रेंड उसका जीई सेलेक्ट करना होता है। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पर जीई सेलेक्ट किया, उसको सेमेस्टर, जी हाँ फ्रेंड सेमेस्टर आपका जो भी उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड मैं 1 का डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो फ्रेंड मैंने यहाँ पर 1 सेलेक्ट किया। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है। तो फ्रेंड यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहता है रजिस्ट्रेशन नंबर डालना। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है फटाफट से। उसके बाद नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आता है, सिंपली डेट ऑफ बर्थ जो है एंटर करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ सर्च का ऑप्शन आता है, सिंपली सर्च में क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च में क्लिक करेंगे फ्रेंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर जो है फ्रेंड आपका एडमिट कार्ड शो होने लगेगा। डाउनलोड करने के लिए ऊपर 3 डॉट में क्लिक करना है। 3 डॉट में क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन देता है, ऊपर में डाउनलोड में क्लिक कर देना है। जैसे डाउनलोड में क्लिक करेंगे फिर से यहाँ पर डाउनलोड अगेन का ऑप्शन, तो सिंपली डाउनलोड अगेन में क्लिक कर देना। डाउनलोड अगेन में क्लिक करते ही फ्रेंड यहाँ जो है आपका PDF में डाउनलोड हो चुका है। तो फ्रेंड आप जो है इसी तरह से आप रांची यूनिवर्सिटी का जो है फ्रेंड एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से जरूर आपको इस जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।